दोस्तों रूस ने इस साल की शुरुआत भारत को एक बड़ी मदद करके की है। 2023 इसलिए खास है क्योंकि इससे 2023 में G20 समिट कश्मीर में होगी और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि इस साल पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है क्योंकि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। दरअसल आपको बता दूं कि रूस ने जो वादा किया था ऐसे 400 का और खेप भारत को भेजेगा, वह खेप भारत पहुंच चुका है और दो ऐसे 400 की खेप पहले ही भारत पहुंच चुकी है जिससे चीन पहले ही डरा हुआ था और चीन ने रूस को साफ साफ चेतावनी भी दी थी कि वह भारत की मदद नहीं करे। लेकिन रूस कहां मानने वाला था, क्योंकि जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की अर्थव्यवस्था डगमगा रही तो भारत एकमात्र ऐसा देश था उसका सहारा बना था, उसके कारोबार को ठप होने नहीं दिया और नए तरीके से भारत और रूस के बीच फिर से बिजनेस सेटअप किया गया। भारत तेल को आयात करने में रूस को सबसे टॉप लिस्ट में लेकर आ गया और उसी बिजनेस की वजह से आज की आर्थिक स्थिति ठीक है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रूस कभी नहीं भारत का यह हेल्प भूलेगा और इसी वजह से रूस ऐसे 400 की तीसरी खेप भारत को भेजने वाला है। लेकिन इन सब के बीच चीन ने तो सबसे पहले रूस को धमकी देना शुरू कर दिया, या कैसे इतने सारे ऐसे 400 मिसाइल भेज सकता है। लेकिन रूस नहीं माना तो अब चीन भारत के पैरों में झुकने के लिए तैयार है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दूं कि भारत के पास MTCR में वीटो है और भारत चाहे तो चीन के अंदर ऐसे 400 का खात्मा कर सकता है और अवैध रूप से जो चीन भारत में घुसने की कोशिश करता है सब खत्म कर सकता है क्योंकि भारत के पास अनुमति है। लेकिन चीन के पास ऐसी कोई अनुमति नहीं है कि वह ऐसे 400 मिसाइल का यूज कर सके क्योंकि MTCR के सदस्यों को ही यह अनुमति रहती है जो भारत के पास है। और इतना ही नहीं दोस्तों, चीन किसी भी देश से खरीद भी नहीं सकता ऐसे 400 मिसाइल और न ही बेच सकता है। इस वजह से चीन डरा हुआ है और भारत के पीछे इसलिए पड़ा है कि भारत उसे MTCR में वीटो दिला दे और उसके बदले में वह दावा करता है कि वह UNSC में भारत को वीटो दिलाएगा। लेकिन चीन की वह बात याद है ना कि जब जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई करके विश्वास किए थे और इतना बड़ा विश्वासघात चीन ने किया था और विश्वासघात अब तक भारत नहीं भूला है। चीन कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है यह भारत भी अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए भारत उसे MTCR कभी नहीं देगा। अब आपको बता दूं कि ऐसे 400 से भारत क्या कुछ करेगा। दोस्तों ऐसे 400 का 26 जनवरी से परीक्षण शुरू होगा और पीओके के वापस लेने के लिए नए रूप से रणनीति शुरू की जाएगी और इस मिशन में कामयाबी मिलने के लिए आप हमारे फौजी भाइयों का मनोबल जरूर ऊंचा रखिए। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद उन्हें सैल्यूट जरूर लिखिएगा। अब इसी तरह से एक और दूसरी खबर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आज तो पूरी दुनिया मानती है कि भारत के पास इतनी पावर है कि वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। आप इसी से समझ सकते हैं भारत की पावर को, क्योंकि जब रूस की आर्थिक स्थिति एकदम से डूब गई थी, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां रूस से बोरिया बिस्तर समेट कर वापस आने लगी, तो भारत ही एक ऐसा देश था जिसने रूस को टूटने नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। आज रूस उसी मुकाम पर कायम है जो यूक्रेन युद्ध से पहले हुआ करता था, तो आप समझ सकते हैं कि भारत का बिजनेस सेक्टर में कद कितना बड़ा है और दूसरे देशों को वह चौपट कर सकता है। इसकी वजह यह है कि दूसरे देशों की कंपनियों को भारत में एंट्री करने से बैन नहीं करता है। लेकिन इन सब के बीच चीन को 3.9 ट्रिलियन का भारी नुकसान हुआ है और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि की है। यह सब कैसे हुआ, इन चीनी कंपनियों में हाहाकार क्यों मचा है और उसे अब तक का सबसे बड़ा लोन झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसी जानकारी को दोस्तों अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों जो लोग ये बात जानते हैं कि चीन एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है और भारत चीन को पीछे छोड़ना तो दूर, कभी टक्कर भी नहीं दे पाएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको मजा ही आ जाएगा और आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि 2022 में और इस साल के खत्म होते होते चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारे आंकड़े निकलकर सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सबसे पहले आंकड़ा आप देखिए कि चीनी कंपनियों को 2022 में तकरीबन 3.9 ट्रिलियन डॉलर का भयानक नुकसान हुआ है।
बताया जा रहा है कि आज तक चीनी कंपनियों को एक साल के अंदर इतना जबरदस्त नुकसान कभी भी देखने को नहीं मिला। और दोस्तों यकीन मानिए यह बात सच है और हैरान करने वाली भी है, क्योंकि 3.9 ट्रिलियन डॉलर कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि भारत की टोटल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो उसकी टोटल जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर है और फ्रांस की जीडीपी लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। यानी भारत, फ्रांस, ब्रिटेन की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा भयंकर नुकसान चीनी कंपनियों को देखने को मिला है। और साथ ही बताया जा रहा है कि इस नुकसान की वजह से हजारों से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो अब तक बैंक करप्ट हो चुकी है, मानो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है यह सब कंपनियां। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन की मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों आपको बता दूं कि चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, 3 साल के ऐतिहासिक लो पर पहुंच चुका है। अब चीन आज से पहले इतना ज्यादा खराब स्थिति 2020 की शुरुआत में चीन में देखने को मिला था। तब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की पहली लहर आई थी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई थी। हालांकि इस वजह से 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लो होने की वजह से चीनी कंपनियों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि कोरोना के चलते पूरी दुनिया की हालत खराब हो गई थी। लेकिन 2022 में सब देशों में लॉकडाउन हटा दिया गया था, तब चीन के अंदर लॉकडाउन था और इसी वजह से चीनी कंपनियों को भयंकर नुकसान हुआ, क्योंकि 2022 में चीनी कंपनियां सामान बनाकर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी और इसका खूब फायदा उठाया दूसरे देशों की कंपनियों ने, जिन्होंने लगातार मैन्युफैक्चरिंग करके चीनी कंपनियों के मार्केट को हथिया लिया। इसमें भारत के साथ इंडोनेशिया, अमेरिका और यूरोपियन कंपनियां शामिल है, जिन्होंने चीनी कंपनियों के मार्केट को पूरी तरीके से खाक कर दिया है। इसका हम आपको सबूत भी देंगे जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चीन का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लगातार गिरकर पाताल लोक में जा चुका है। दूसरी ओर इसी समय अंतराल के दौरान भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लगातार आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। हालांकि दोस्तों आप सब लोग सोच रहे होंगे कि चीन के अंदर इतना नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर गया है, इसका मुख्य कारण है लॉकडाउन। लेकिन अब तो चीन धीरे धीरे करके लॉकडाउन को खोल रहा है और चीन को दोबारा से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेना चाहिए और चीन अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत बना लेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। चीन के अंदर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो डाउन हुई है वो लॉकडाउन के खुलने के बाद हुई है। ऐसे में आपका क्या कहना है? क्या चीन की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना भारत के लिए फायदेमंद है? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा।